मौसम इतना सही है रात को, मतलब 9 बजे घर आना ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। 12-1 बजे तक आते, हम रेस्टोरेंट में घूमते रहते, राइड करते, ड्राइव करते, पर आज घर तो नहीं गया, अभी एक फ्रेंड के घर पे आया हूँ, पर यहाँ से निकल जाऊँगा जल्दी से, मतलब 10 के पहले घर पहुँच जाऊँगा। पर यहाँ पे आके सबसे मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरा, इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मौसम तो बहुत सही है एकदम, मतलब साइक्लोन की वजह से यहाँ पे भी रेन हो रहा है थोड़ा, बंगाल की साइक्लोन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रेन हो रहा है, और ऑलमोस्ट समर आ गया था, और ऐसे में मतलब इतना हवा, मस्त हवा, ब्रीज जिसको बोलते हैं, जस्ट वही फील हो रहा है, इतना मस्त है। और ये लाइट, और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो मतलब सेटअप है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अब देखिए ये एक गार्डन है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक ऑर्गेनिक मतलब फार्मिंग है छोटा सा, और फूल वगैरह है, तो इसीलिए देखिए मस्त एकदम सही है एकदम। मैंने इतना सही सही फ़ोटो खींचा, मतलब फ़ोटो खींचा, इतना मस्त आया ये फ़ोटो। ये देखिए ये सब वेजिटेबल्स है, और फ्लावर भी है यहाँ पे, फ्लावर्स है, रोजेस है, ये ग्रिल, मतलब ये सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है आज रात को, ये ग्रिल, ये पेड़, और ये देखिए मौसम, तो ये बहुत सही लग रहा है यार ये सेटअप, इसलिए थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैंने जो फ़ोटो खींचा मैं देता हूँ यहाँ पे, बहुत सही आया फ़ोटो, ये देखिए फ़ोटो कितना मस्त आया, मतलब अभी तो वीडियो कर रहा हूँ पर मैंने फ़ोटो ऐसे ही खींचा, बहुत सही सही फ़ोटो आया यार आज, मतलब बहुत दिनों के बाद शाम को अच्छा लग रहा है, नहीं तो शाम को ऐसे भी डाउन फील होता है थोड़ा सा, मतलब पूरा दिन भर थके, शाम को थके हुए, पूरा दिन एक्टिव रहता है, फिर शाम को थोड़ा है, पर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, थोड़ा IIT खड़गपुर का याद आ रहा है, IIT खड़गपुर में जैसे आप रात को 8 बजे 8:30 बजे निकलते हो, मतलब लैब से निकलते थे हम, तो वहाँ पे भी ऐसे पेड़ वगैरह बहुत हैं, तो ऐसे ही टाइप फील होता था। और फिर जाके एक चाय पियो कैफेटेरिया में, वो छेदीश तो IIT के बाहर मतलब था, और अंदर मैं भूल गया एग्जैक्टली वो नाम भूल गया, पर वो भी रात को 12-1 बजे तक खुला था, वहाँ पे चाय पियो, मस्त लगता था, तो ऐसे ही फील हो रहा है। आज मैं घर पे आ गया था और सोचा आज 10 बजे आ गया था, वही जल्दी सो जाऊंगा थोड़ा, और बाद में ये बंदा देखिए, ये इंसान कहीं से निकल के आ गया। अभी रात कितने बजे, 11:30, खाना वाना खा लिया, खाना खा लिया, सोचा था थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा घर पे, और ये इंसान आके अभी फिर मुझे बोल रहे बाहर जाना है, चलो क्या करेंगे, आ गए तो बंदा बंदे की इतना दिन से 2-2.5 महीने उल्लंघन हो जाएगा, अच्छा नियम का बाहर हो जाएगा, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलते चाय पी के, खाना तो खा लिया यहीं पे, चाय पीने चलेंगे अभी। और ये थी हमारी आज शाम वाली ड्राइव, इतना लॉन्ग भी नहीं, इतना शॉर्ट भी नहीं, कुछ 2 एंड फ्रो 32 किलोमीटर हमने ड्राइव किए, बारिश की मौसम थी, इसीलिए क्या होता है बारिश में पहले तो अच्छा लगता है ड्राइव करना, और फिर थोड़ी देर बाद मन करता है घर पे आओ यार, पकौड़े हो, चाय हो, और फिर आराम से बैठो। तो यहाँ पे हम पेट्रोल भरने गए, पेट्रोल भरने के बाद हम निकल गए, और अच्छा लगा आज, मतलब काफ़ी बारिश हो रही थी और जल्दी आ गए आज हम। और जैसे यहाँ पे यार हम 4 किलोमीटर आए, और देखिए पूरा सूखा रास्ता, बारिश हुई नहीं,
तो मैंने वो बॉर्डर जो होता है ना बारिश और सूखे का, उसको कैप्चर मतलब वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। वो मेरा बड़ा फैंटासी था एकदम बहुत पहले से, स्कूल ज़माने से, कि एक दिन वो देखूँ मैं जहाँ पे मतलब बारिश में निकल जाऊँ और वहाँ तक पहुँच जाऊँ जहाँ बारिश ख़त्म, मतलब ऐसा एक पॉइंट है सिर्फ पॉइंट कि इस साइड बारिश और उस साइड मतलब सूखा। वो कभी नहीं हुआ, पर चलो बाय बाय।